इसे चेक करेंगे। ये देखिए ठंडा हो गया है, ये अभी सर्दी है। अब इसका ये पानी हम किसी बर्तन में निकाल देंगे। चेक करेंगे, कढ़ाई बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। देखिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ना स्क्रैच करना पड़ेगा, एकदम साफ़ हो गई है ये। देखिए आप अच्छे से देख सकते हैं, मैं बिल्कुल भी घिस नहीं रही हूँ इसे, आराम से साफ़ हो रही है ये। अच्छी तरह से देख सकते हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है। कभी भी कढ़ाई अगर जल जाती है तो इसी तरह से साफ़ करें। जय जिनेंद्र फ्रेंड्स, आज मैं जली हुई कढ़ाई को साफ़ करने की एक इजी ट्रिक बता रही हूँ। देखिए ये कढ़ाई कितनी जल गई है। अब इसमें हम पानी डालेंगे और गैस को ऑन कर देंगे। जहाँ तक जलने का निशान है वहाँ उससे ऊपर तक पानी डालेंगे और इसको उबालेंगे। इसमें कुछ भी नहीं डालना है, ना साबुन डालना है। उबाल आने के बाद इसे 15 सेकंड तक उबालना है। 15 सेकंड हो गए हैं, अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ढक देंगे। ये मैंने गैस से उतार ली है। अब इसको केयरफुली हम एक खाली बर्तन में रख के और इसे इसमें नॉर्मल ठंडा पानी डाल देंगे। केयरफुली करना है सभी काम। ठंडे पानी के बर्तन में मैंने ये रख दिया है। अब इसे ठंडा होने तक इसी में रखा रहने देंगे, फिर देखेंगे, इसे चेक करेंगे। ये देखिए ठंडा हो गया है, ये अभी सर्दी है। अब इसका ये पानी हम किसी बर्तन में निकाल देंगे। चेक करेंगे, कढ़ाई बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। देखिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ना स्क्रैच करना पड़ेगा, एकदम साफ़ हो गई है ये। देखिए आप अच्छे से देख सकते हैं, मैं बिल्कुल भी घिस नहीं रही हूँ इसे, आराम से साफ़ हो रही है ये। अच्छी तरह से देख सकते हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है। कभी भी कढ़ाई अगर जल जाती है तो इसी तरह से साफ़ करें। ये वाला पानी जो हमने इसके नीचे रखा था ये इसमें डाल देंगे और नॉर्मल जैसे हम बर्तन साफ़ करते हैं उस तरह से बर्तन साफ़ कर देंगे। देखिए मैंने तो इसमें सर्फ वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, आराम से ये साफ़ हो रही है। बहुत इजी ट्रिक है ये जले हुए बर्तन को साफ़ करने की। इसी तरह आप कुकर या तपेली भी साफ़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।